जसवीर, इनके भतीजे की दोनों किडनी खराब हो गई थी, दोनों गुर्दे खराब हो गए थे और उसे हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर ये अपने भतीजे को जयपुर लेकर गए और वहां भी उसे जवाब दे दिया। फिर इन्हें किसी ने चमत्कार चर्च के बारे में बताया और फिर ये चमत्कार चर्च में आए और इन्होंने चर्च में आकर अपने भतीजे के लिए प्रार्थना करवाई। उसके बाद इनका भतीजा ठीक है, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। बिशप जी को जय मसीह, सभी भाइयों को जय मसीह। मेरे भतीजे की दोनों किडनियां ब्लॉक हो गई थी और हमने यहाँ पे दो बार गंगानगर दो हॉस्पिटलों में चेक कराया, उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हम जयपुर लेके गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया और फिर हम को किसी ने बताया भी चर्च में प्रार्थना करवाओ। हमने यहाँ से प्रार्थना करवाई और सारी रिपोर्टें यहाँ जन सेवा हॉस्पिटल में नॉर्मल आ गई। अब वो पिछले संडे को सही होके घर पे आ गया है। वाओ, और बहुत अच्छा है, सारी रिपोर्टें उसकी नॉर्मल हैं। नहीं, उसके उसके दोनों किडनियां सिकुड़ गई थी जी। दोनों किडनियां जो गुर्दे का अपने कहते हैं, वो सिकुड़ गए थे और वो बाथरूम की रुकावट हो गई थी। आपने पहले गंगानगर में दिखाया था? गंगानगर में दो हॉस्पिटलों में दिखाया। तो ये क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा जी जयपुर ले जाओ, बच्चे की हालत बहुत खराब है, किडनियां सिकुड़ चुकी हैं, जयपुर ले जाओ। हाँ, यहाँ डायलिसिस करते थे। अच्छा, हाँ जी, डायलिसिस करते थे और जयपुर में भी डायलिसिस करते थे। अच्छा, फिर आप जयपुर ले गए, इनके कहने पे जयपुर ले गए। हाँ जी, जयपुर, और वहाँ भी डायलिसिस होता था। वहाँ पे डायलिसिस होता था जी। फिर और फिर हम चर्च में आए आपके पास, मतलब आप आए, वो मतलब जो बच्चा था वो नहीं था आपके साथ? वो नहीं था जी, मैं ही आता था। हर संडे आता था, मेरे को आज सातवां संडे है, मैं ही आता था। और यहाँ पे जनसेवा हॉस्पिटल में तो बिल्कुल सीरियस हो गया था, उसकी नाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। फिर आप जयपुर से वापस ले आए? कर जनसेवा हॉस्पिटल ले आए थे जी, जनसेवा हॉस्पिटल। तो वहाँ से क्यों वापस ले आए? तो वहाँ कह रहे थे भी डायलिसिस होएगी बस, और कुछ नहीं है। कुछ और कुछ नहीं है। फिर हम यहाँ ले आए भी, चलो डायलिसिस ही करानी है फिर वहाँ करवा लेंगे जाके। और फिर आपके पास आए, उनकी नाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, नाड़ियाँ बिल्कुल सिकुड़ गई थी जी उसकी। फिर आपके पास आए, आपने हमारे को बोला भी डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, नाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस होएगी नहीं अब। और उसके बाद में डायलिसिस हुई नहीं जी, मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जी। ओके, जब प्रार्थना में मैंने बोला कि अब नहीं डायलिसिस होगा, उसके बाद डायलिसिस नहीं हुआ? उसके बाद डायलिसिस नहीं हुई जी, अब उसके बाद छुट्टी लेकर सीधा घर ही आया, चंगा है जी अब। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। दोनों किडनियां जो थी वो उसकी डैमेज थी बेचारे की, सुकड़ रही थी, डायलिसिस हो रहा था। यहाँ दो हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया और जयपुर भेज दिया, और जयपुर भी ये थक गए कि यहाँ भी डायलिसिस ही होता है, और वहां से फिर लेकर यहाँ लोकल फिर ले आए। और जैसे भाई बता रहा मुझे, सात संडे हो गए आते हुए, तो ये यहाँ प्रार्थना में आ रहा था, परमेश्वर मसीह वहां उसे चंगा कर रहे थे। उसके बाद कोई डायलिसिस भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल हो गया परमेश्वर मसीह के नाम से। तब विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं।